as we'll be celebrating Christmas in a few days. जैसे कुछ ही दिनों में हम क्रिसमस का उत्सव मनाने वाले हैं. We are meditating on the first coming of Jesus during Christmas. तो हम क्रिसमस के दौरान प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन पर मनन कर रहे हैं. Let's read Matthew 1:18-19. तो आइए मत्ती अध्याय 1:18-19 पढ़ते हैं. This is how the birth of Jesus the Messiah came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph. But before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ, जब उसकी माता मरियम की यूसुफ के साथ सगाई हुई, तो विवाह होने से पहले पता चला कि वो पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती है. Mary and Joseph were engaged to be married. मरियम और यूसुफ की सगाई हो चुकी थी और उनकी शादी होने वाली थी. But before they could be married, और इसके पहले कि उनकी शादी हो जाए, Mary became pregnant. मरियम गर्भवती हो गई. And she became pregnant through the Holy Spirit of God. और वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हो गई. God showed a sign supernaturally that the child who was to be born to Mary was God coming into the world through her womb. और परमेश्वर ने बिल्कुल स्पष्ट चिन्ह के द्वारा ये बता दिया कि मरियम के द्वारा जो बालक इस संसार में आने वाला है, वो तो उसके गर्भ में स्वर्गीय परमेश्वर की ओर से है. Jesus was not born through the human relationship, a man and a woman having a baby, and through that a God being born. यीशु का जन्म ऐसा नहीं हुआ कि जैसे मनुष्य के संबंध के बीच में होता है, एक पुरुष और एक स्त्री के द्वारा जन्म होता है. नहीं, इस तरह से मनुष्य जन्म लेते हैं. Then that seed will be full of sin. और वो बीज जो है वो तो केवल पाप से भरा होता है. Because every man, every woman born in this world is born in sin. क्योंकि संसार में जन्म लेने वाला हर एक पुरुष, हर एक स्त्री तो पाप में जन्मे हैं. So not a man's seed, it was God's seed through the Holy Spirit, which was planted in the virgin womb of a woman. और इसीलिए ये मनुष्य का बीज नहीं था, लेकिन ये तो परमेश्वर का बीज था जो कुमारी मरियम के गर्भ में रखा गया था. And Joseph, her husband, was faithful to the law of God. और उसका पति यूसुफ, वो तो परमेश्वर की व्यवस्था के लिए बहुत ही विश्वास योग्य व्यक्ति था. In verse 19 it says, वचन 19 में ये कहता है, Yet he did not want to expose his betrothed fiance to public disgrace. किंतु उसका भावी पति यूसुफ एक अच्छा व्यक्ति था और इसे प्रकट करके लोगों में उसे बदनाम नहीं करना चाहता था. He thought he will divorce her privately, quietly. इसलिए उसने निश्चय किया कि चुपके से वो सगाई तोड़ दे. Because if the world came to know that she was pregnant even before marriage, then by the law of God, she would have to be stoned and killed. क्योंकि अगर वो विवाह के पहले गर्भवती पाई गई और उसके बाद में, उसके विवाह होने के बाद में जब लोग ये जानेंगे कि ये तो दूसरे पुरुष के द्वारा गर्भवती हुई है, विवाह के पहले गर्भवती हुई है, तो व्यवस्था के अनुसार उसे पथरवा करके मार दिया जाना था. He knew that wicked people would immediately become accusers and they would have the joy of killing someone. और वो जानता था कि जो दुष्ट लोग हैं वो बिल्कुल सक्रिय हो जाएंगे और किसी की हत्या करने के लिए वो बहुत ही खुश हो जाएंगे. दे वुड बी विकेड इन देयर वेज, बट दे विल कोट द लॉ एंड डिस्ट्रॉय इवन द राइटियस पीपल. वो तो अपने खुद के मार्गों में दुष्ट हैं, लेकिन फिर भी वो व्यवस्था बोलते हैं और जो दूसरे लोग हैं उनकी हत्या करवा देना चाहते हैं. That is the wickedness of the world. और यही तो संसार की दुष्टता है. But Joseph was a righteous man. लेकिन यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था. He said, "I will not expose Mary, who is betrothed to me." और उसने कहा, मरियम जिसकी मेरे साथ मंगनी हो चुकी है, मैं उसे इस तरह से नहीं बदनाम करूंगा. But then God sent an angel to Joseph. और फिर परमेश्वर ने यूसुफ के सामने एक स्वर्गदूत भेजा. Matthew 1 and verse 20 says, मत्ती अध्याय 1:20 ये कहता है, The angel of the Lord appeared to him in a dream. तब वो सोच ही रहा था तो परमेश्वर के दूत ने प्रकट होकर उससे कहा, And said, Joseph,
उसने कहा, यूसुफ, डू नॉट बी अफ्रेड टू टेक मेरी होम एज योर वाइफ, मरियम को पत्नी बनाने से मत डर, बिकॉज शी इज कंसीव्ड फ्रॉम द होली स्पिरिट, क्योंकि जो बच्चा उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है. What is conceived in her is from the Holy Spirit. और जो बच्चा उसके गर्भ में है वो तो पवित्र आत्मा की ओर से है. She will give birth to a son. और वो एक बेटे को जन्म देगी. And you are to give him the name Jesus. और तू उसका नाम यीशु रखना. Because he will save his people from their sins. क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा. God's seed has come into your betrothed Mary. तुम्हारे साथ जिस मरियम की सगाई हुई है, मंगनी हुई है, परमेश्वर का बीज उसमें आ गया है. When Joseph heard it, he took Mary home. और जब यूसुफ ने इसे सुना तो वो मरियम को अपने घर लेकर आया. Protected her. और उसकी रक्षा की. Protected her from all the accusations. हर एक दोष लगाने वाली बातों से उसकी रक्षा की. Yes, people would have criticized him. हाँ, लोगों ने शायद उसके ऊपर दोष लगाया होगा. And said you have taken a woman who has become pregnant even before your relationship with her. और यहाँ तक कि जो वो ये कह रहे थे कि तुमने उस स्त्री को अपनी पत्नी बना लिया है जो कि तुम्हारे साथ शादी करने के पहले से ही गर्भवती थी. He said I would rather believe God and not be afraid to suffer accusation from the wicked people. और उसने कहा कि मैं तो परमेश्वर पर विश्वास करूंगा और दुष्ट लोग जो दोष लगा रहे हैं उनकी बातों पर मैं ध्यान नहीं दूंगा. Secondly, he did not enter into a relationship with Mary, even though he took her home, until God was born through her womb into the world. दूसरी बात, हालांकि उसने मरियम से उसने विवाह किया, वो उसे अपने घर लेकर गया, लेकिन फिर भी उसने उसके साथ में संबंध नहीं रखे जब तक कि परमेश्वर उसके द्वारा इस संसार में जन्म न ले ले. Thirdly, he even gave up his time that he was spending for his profession, but began to care for his wife and the child that was growing, which was God in flesh in her womb. और दूसरी बात, उसने अपने व्यवसाय में से भी समय निकाला और वो मरियम की देखभाल कर रहा था ताकि उसकी मदद हो सके, जबकि परमेश्वर उसके गर्भ में था. यूसुफ मरियम की देखभाल किया करता था. Yes, we too need to care for our spouses. हमें भी अपनी पत्नी या अपने पति की देखभाल करनी चाहिए. The Lord would be formed in our spouse. परमेश्वर हमारे जीवन साथी के जीवन में आकार ले. Let us recognize it. और आइए इस बात को हम पहचान. Let us honor our spouse. आइए अपने जीवन साथी का आदर करें. Not treat or have a relationship with them in the worldly manner. आप उनके साथ में सांसारिक तरीके से व्यवहार ना करें और ना ही संसार के तरीके से उनके साथ कोई संबंध रखें. Let us value our wives or our husbands as God's gift to us, as God's ambassadors to the world. परमेश्वर ने हमें जो पति या पत्नी दी है उसे परमेश्वर की ओर से भेंट के रूप में या हमारे लिए परमेश्वर के राजदूत के रूप में हम उनका आदर करें. Then Jesus will be born in our spirits, in our family. तब यीशु हमारी आत्मा में और हमारे परिवार में जन्म लेंगे. And let's give the first preference to care for the family members even above our professions. और आइए अपने परिवार के सबसे पहले हम देखभाल करने वाले बने और हमारे व्यवसाय से भी बढ़कर हम उन्हें महत्व दें. And then God will honor us. और फिर तब परमेश्वर हमें आदर देगा. Our names will be honored before all the world, just like Joseph's name is honored. और जैसे यूसुफ का नाम पूरे संसार के द्वारा संसार में आदर पाया, वैसे उसका भी नाम सारे संसार में आदर पाएगा. May the Lord bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे. As you obey the heavenly vision. जैसे आप उस स्वर्गीय दर्शन की आज्ञा मानते हैं. And may He prosper you and protect you. और वो आपको संपन्न करें और आपकी रक्षा करें. Because Joseph obeyed the Lord, God protected his wife, his child and children. क्योंकि यूसुफ ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, इसलिए परमेश्वर ने उसकी पत्नी, उसके पुत्र और उसके दूसरे बच्चों की भी देखभाल की, सुरक्षा की. May God give you this grace. परमेश्वर आप पर ऐसा ही अनुग्रह करे. I'm going to pray that God will heal you right now. हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको इसी समय चंगाई दे. Wherever you have the sickness, put your hand upon your chest or in your
place where you have the sickness. आपको जहाँ कहीं भी परेशानी या बीमारी है तो आप अपना हाथ एक तो अपने सीने पर रखिए या फिर जिस जगह पर वो बीमारी उस जगह पर रखिए. Matthew, Jesus heals you right now. Matthew, यीशु अभी आपको चंगाई दे रहे हैं. Your body is affected and the evil powers have dominion over your body through the sickness that it has placed in your body. आपका शरीर प्रभावित हुआ है और आपके शरीर में जो बीमारियां हैं उसके कारण दुष्ट आत्माओं ने आपके शरीर को वश में कर लिया, ग्रसित कर लिया है. Now Jesus heals you. यीशु आपको चंगाई दे रहे हैं. Every cancer will go now. हर एक कैंसर अभी चला जाएगा. Timothy, God heals you. प्रभु आपको चंगाई देते हैं. Blood diseases are leaving you right now. Blood disease अभी आपको छोड़कर चली जा रही है. Faith, God touched you right now. Faith, परमेश्वर ने अभी आपको छू लिया है. The problem in the belly and in your hips and the back is being healed by the power of God. आपके पेट, पीठ और हिप्स की जितनी भी समस्याएं हैं, वो प्रभु ने आपको छू लिया और आप अभी इस समय परमेश्वर की सामर्थ्य से चंगी हो चुकी हैं. Ramakrishnan, witchcraft has been done against you. Jesus heals you and delivers you as you are calling His name. Ramakrishnan, जबकि आपके विरुद्ध में जादू टोना किया गया है, प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देते हैं जैसे कि आप उसके नाम को पुकार रहे हैं. The glory of God is coming upon everybody now. परमेश्वर की महिमा भी हर एक व्यक्ति पर आ रही है. All the darknesses are leaving as we proclaim the name of Jesus upon you. और जैसे हम आप पर यीशु के नाम की घोषणा करते हैं तो हर एक अंधकार अभी इस समय चले जा रहा है. Father, पिता, remember how you suffered on the cross, taking everyone's sickness and curses of sin upon yourself. मरण कर प्रभु कि आपने कैसे क्रूस पर दुख उठाया और आपने सभी के पापों को अपने ऊपर उठा लिया और सारा दुख सह लिया. Now deliver your children, Lord. अब अपने संतानों को आजाद कीजिए प्रभु. Everyone who is calling the name Jesus, embrace them, kiss them and heal them, Lord. हर एक व्यक्ति जो यीशु के नाम को पुकार रहा है, आप उन्हें गले लगाइए, उन्हें चूम लीजिए और छुटकारा दीजिए. Let every sickness come out in Jesus name. कि हर एक बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम में निकल जाए. Your cancers be healed in Jesus name. और कैंसर यीशु के नाम में चंगा हो जाए. Your tumors dissolve right now in Jesus name. ट्यूमर्स अभी इस समय यीशु के नाम में पिघल जाए. Your cysts be healed in Jesus name. गांठ प्रभु यीशु के नाम में चंगी हो जाएं. Fibroids be gone. Fibroids गायब हो जाएं. Lord heal. प्रभु चंगाई दीजिए. Heal every ulcer. हर एक अल्सर से चंगाई दीजिए. Heal Lord. चंगाई दीजिए. Heal every wound. हर एक जख्म को चंगाई दीजिए. Heal the lungs Lord. फेफड़ों को चंगाई दीजिए. Heal the blood Lord. और प्रभु लहू को चंगाई दीजिए. From head to foot let your healing power flow into their bodies in Jesus name. प्रभु सिर से लेकर इनके पैर तक आपकी चंगाई की सामर्थ्य इनकी देह में बहती चली जाए यीशु के नाम. I rebuke every power of evil. मैं दुष्ट के हर एक ताकत को डांटता हूँ. I rebuke every power of sickness. मैं हर एक बीमारी की ताकत को डांटता हूँ. I cast it out of their families, out of their bodies in the name of Jesus. मैं इनके परिवार से, इनके शरीर से यीशु के नाम में इन्हें निकाल देता हूँ. Father, set them free by your mighty power, Lord Jesus. पिता, प्रभु यीशु अपने महान सामर्थ्य के द्वारा इन्हें आजाद कीजिए. Let them never suffer anymore. और ये फिर कभी दुख न उठाए. Let there be a miracle. और अद्भुत चमत्कार हो. Let those who do not have a child receive a child from your holy hands. प्रभु जिनकी संतान नहीं है वो आपके पवित्र हाथों से संतान प्राप्त करें. Let them conceive in Jesus name. यीशु के नाम में वो गर्भ धारणा करें. अन्नम्मा, crying for your child. आप अपनी बच्चे के लिए रो रही हैं. God is answering your prayer and giving a beautiful daughter to your daughter. परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दे रहे हैं और वो आपकी बेटी को एक बहुत ही सुंदर बेटी से आशीषित करेंगे. Krishnaveni, Jesus touches you right now. Krishnaveni, प्रभु यीशु आपको अभी छू रहे हैं. Every dark cloud is leaving. हर एक अंधेरे से भरा बादल जा रहा है. You will live, Krishnaveni. Krishnaveni, आप जीवित रहेंगी. These diseases will never be able to overcome you. ये बीमारियां कभी आप पर जयवंत नहीं हो सकेगी. As the light of the world
and the healer comes into you. और जैसे जगत की ज्योति और वो चंगाई दाता आपके भीतर आता है. In the form of Jesus. यीशु मसीह के स्वरूप में. Receive him. उसे लीजिए. Receive him. उसे स्वीकार कीजिए. Receive him. उसे स्वीकार कीजिए. Thank you, Lord. Every dark cloud is leaving. धन्यवाद प्रभु कि हर एक अंधेरे से भरा बादल जा रहा है. My friend, proclaim the name of Jesus. मेरे दोस्तों प्रभु यीशु के नाम की घोषणा करें. My friend, promise the Lord to live a righteous life in your body. दोस्तों आप प्रभु से प्रतिज्ञा कीजिए कि आप अपनी देह में धार्मिकता का जीवन जिएंगे. Don't allow sin to come into you anymore. आप अपने अंदर पाप को मत आने दीजिए. Your body is the temple of the Holy Spirit. आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है. Thank you, Lord, for delivering your son. प्रभु अपने संतान को प्रभु आपने छुटकारा दिया इसलिए धन्यवाद. Thank you, Lord, for delivering your daughter. अपनी बेटी को छुटकारा दिया इसलिए धन्यवाद. Let the traces of the cancer totally dissolve and disappear. और कैंसर के जो भी ट्रेसेस हैं, निशान हैं, सब पूरी तरह से खत्म हो जाए, दूर हो जाए. Let them have new organs. और ये बिल्कुल नए अंग प्राप्त करें. Let this disease never come back. और ये बीमारी फिर कभी वापस ना आए. Thank you, Jesus, for this blessing. धन्यवाद यीशु इस आशीष के लिए. पूर्णिमा. पूर्णिमा. The Lord touched you right now. परमेश्वर ने अभी आपको छू लिया है. Be healed. आप चंगी हो चुकी हैं. Be healed. चंगी हो जाए. I command the skin to be healed. मैं आज्ञा देता हूं कि आपकी चमड़ी बिल्कुल चंगी हो जाए. Thank you, Lord, for this miracle. प्रभु इस चमत्कार के लिए धन्यवाद. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. The Lord loves you, my friend. मेरे दोस्तों प्रभु आपसे प्रेम करते हैं.